कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली मोटो ने अपना एक और बजट रेंज का नया स्मार्टफोन मोटो G32 को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ सैमसंग का एक पॉपुलर स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F13, अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कन्फ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो आज के ये कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो के G32 को 12,999 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F13 को 11,999 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जो कि एक स्मार्टफोन के लिए इसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोटो के G32 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F13 में सैमसंग का एक्जिनोस 8 ऑक्टा का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 12,000 रुपए की प्राइस को अगर देखा जाए तो आप लोगों को एक एवरेज ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा गैलेक्सी के F13 में। तो अगर आप लोग भी अपने लिए एक अच्छा प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को मोटो के G32 की तरफ जाना चाहिए। स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह मोटो का G32 परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा बेटर है, उसी तरह डिस्प्ले के मामले में मोटो का G32 काफी ज्यादा बेटर है गैलेक्सी के F13 से, क्योंकि मोटो के G32 में 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F13 में 6.6 इंच की प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 12,000 रुपए के प्राइस में गैलेक्सी के F13 में आप लोगों को लो एवरेज क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले वाइज भी मोटो का G32 बेस्ट है। स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो मोटो के G32 के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F13 में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 5+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए सिर्फ 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा वाइज भी अगर देखा जाए तो मोटो का G32 में आप लोगों को फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है कंपेयर टू गैलेक्सी के F13 के मुकाबले में। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो मोटो के G32 में 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ। USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही गैलेक्सी के F13 में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर आप लोगों को सिर्फ 15W का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर हर मामले में मोटो का G32 गैलेक्सी के F13 को बीट करता है। फिर वो चाहे इसका प्रोसेसर हो या फिर इसका कैमरा सेटअप हो या फिर इसकी डिस्प्ले, हर मामले मोटो का G32 बेस्ट है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 1000 रुपए ज्यादा खर्च करके मोटो के G32 को ही बाय करें।